शांति ज्यादा होता है उसका कारण यही होता है, एक होता है राग, दूसरा होता है द्वेष। किसी को ज्यादा फाइल्स है तो ज्यादा राग द्वेष है। जिसके साथ ज्यादा राग लगेंगे उतना फाइल्स क्रिएट होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जीवन में किसी के लिए भी राग द्वेष मत रखना। राग ऐसा चीज है जो हमको पहला खींचता है, आपके कंट्रोल में ले लेता है, वो लेने के बाद लास्ट में हो जाता है द्वेष। कोई किसी को आदर्श जीवन जीने वाले पति पत्नी दंपति बोलते हैं, पहले सभी बोलते हैं देखो ना ये पति पत्नी होना है तो ऐसा होना है, कितना अच्छा है कहते हैं, एक साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? पहला राग, वो राग अतीत हो गया तो द्वेष में परिवर्तन होता है। राग को द्वेष बदलने वाला होता है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। किसी के साथ राग फिर वो द्वेष में कब बदलता है? एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा। समझो, एक एग्जांपल दे, अभी प्रकाश भाई हमको बहुत प्यार से निमंत्रण दिया सेवा का मौका बनाने के लिए, बाबा के सेवा के निमित्त बना। हम प्रकाश भाई के प्रति राग रखते हैं, ये भाई इतना अच्छा है ना, मेरे लिए सब कुछ करता है, क्यों ना मैं उनसे ए पूछू ओ पूछू, ये उससे एक्सपेक्ट करूं वो इससे एक्सपेक्ट करूं, ऐसे एक्सपेक्ट करते गया, अपेक्षा रखते गया, मुझे मेरे लिए ये करो मेरे लिए वो करो। वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? मेरे से हटते जाएगा। जब मेरे से हटते जाएगा तब मैं क्या क्रिएट हूं? ये प्रकाश भाई तो अच्छा है ही नहीं, किसका भूल है, किसका भूल है? पति पत्नी में ऐसा होता है, पहले होता है तेरे बिगर जीना मुश्किल है, तू नहीं तो मैं जी नहीं सकता, ऐसे राग में बांधते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे बर्थडे का डेट आप ही जानकर के गिफ्ट देना, मेरे को पहले ये काम कराना, मेरे लिए ये करना, एक या दो या तीन। इस संसार में कोई नहीं हो सकता है जो 100% सबको सेटिस्फाई कर सकता है। अगर सेटिस्फेक्शन करना है तो वो एक ही है, वो है मेरा बाबा, जो कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे। इसलिए बाबा बहुत सुंदर बात कहते, सर्व संबंधों का रस मेरे से मिल, किसी से नहीं लेना, चाहे वो बहुत हल्का संबंध हो, पोता पोती का भी हो, वो भी छोड़ना नहीं है, बाबा से लेना है। तब भी आप कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं, नहीं तो कर्म आपको छोड़ता नहीं। ये है कर्मों का कहानी। हम किसी के साथ भी कर्म में फंसते हैं तो राग द्वेष के कारण। किसी ने आकर के आपको महिमा करता है, सुनो इधर, किसी ने आकर के आपको महिमा करता है तो क्या हो जाता है? पूरी जैसा हो जाता है। और किसी ने आकर के आपको आरोप लगाता है तो चपाती जैसा हो जाता है, ना पूरी बनो ना चपाती बनो, आटे बनो। आटा मालूम है ना, आटा कैसे रहता? अपना क्वालिटी में रहता है, वो ना उबता है ना मुरझाता है, वो ना पूरी भी बनता है ना मुरझाता है। किसी ने आकर आपको कहा बहन जी आप कितने अच्छे हो, तो अंदर हाँ मैं इतना अच्छा हूँ क्या, ये लड्डू ले लिया, तो जरूर फिर उसके साथ कर्म का हिसाब बनता है।
आपको फिर भोगना पड़ेगा। अगर कोई ने वैसा महिमा किया तो आप हंसते हंसते बोले उसको बोलो हाँ हाँ बोलो, लेकिन अंदर की भावना चेक करो, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो किसको हो रहा है, मेरा पड़ोसी का महिमा हो रहा है, मेरा महिमा तो परमात्मा करता है, इस दुनिया का महिमा कभी भी मेरे साथ नहीं चलता है। ऐसे अंदर भावना जागृत कर दिया तो आपका कर्म हिसाब नहीं बनता है। अगर अंदर ही अंदर किसी का महिमा का लड्डू खा लिया, एक दिन वो ही आपके लिए क्या बन के आ जाता है, बाधक बन के आ जाता है। चाहे पिछले जन्म में नहीं इस जन्म में, कई आकर के बोलते हैं हम तो इनसे पहले कितना अच्छा था, आजकल पता नहीं हमको देखते ही वो ये मुंह फिराते हैं। क्यों फिराता है? क्योंकि आपने उसके महिमा का लड्डू ज्यादा खा लिया। जो ज्यादा लड्डू खाता है, नींदा खाता है, एक दिन दांत क्या होता है, दुखता है नहीं दुखता है? सेम, एनीथिंग एक्सट्रीम डेफिनेटली विल गिव यू द रिजल्ट। इसीलिए हमारा प्यारा बाबा ने बोल दिया, बच्चे आप अपने सुमान में रहो तो किसी के पीछे जाकर के आप क्या नहीं बनते, भिखारी नहीं बनते, आप अधिकारी हो भिखारी नहीं। इसका कहने का भाव यही है, हमारा जीवन में राग द्वेष का जन्म नहीं देना है। अगर राग द्वेष का जन्म दिया जरूर क्या होता है, कर्मों का। समझ में आया सभी को? हाँ जी बोलो।